दोस्तों, आप सभी लोगों ने रिज्यूम के बारे में तो सुना ही होगा। रिज्यूम मतलब जिसमें हमारा डाटा लिखा रहता है, जिसको हम CV बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी से संबंधित होने वाली है कि आप लोग रिज्यूम को देख देख करके, उसको टाइप करके पैसे कैसे कमा सकते हो। आप जो मेरी स्क्रीन पर साइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट आपको एक रिज्यूम फिल करने का 60 रुपीज पे कर रही है। मतलब आपको एक रिज्यूम मिलेगा, साइड में आपको कुछ डाटा मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उस रिज्यूम को देखना है, इस फॉर्म में फिल करना है। मतलब एक प्रकार से फॉर्म फिलिंग की जॉब भी आप लोग उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। और एक रिज्यूम का ये वेबसाइट आपको 60 रुपीज पे कर रही है। तो ये साइट कौन सी है, क्यों इतना पैसा पे कर रही है, सब कुछ आप सभी को बताऊंगा। तो आप लोग इस वाली वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि सर इस पर रिव्यू वीडियो लेकर के आओ और हमें बताओ कि ये साइट रियल है या फिर फेक है। यहाँ पर मैंने एक रिज्यूम फिल करा, भाई रिज्यूम मैंने फिल करा तो मुझे इसने 60 रुपीज तो दे दिए, ये बात तो मुझे इसकी अच्छी लगी। और यहाँ पर हमारे लिए इसने 2000 रुपीज का साइन अप बोनस बिल्कुल फ्री दे दिया है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि साइट रियल है कि फेक है, बट उससे पहले कुछ दो तीन बातें हैं जिनको आप लोग सुन लो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि हर कोई आज के समय पर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, बट काम नहीं करना चाहता। बिकॉज मैं अपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट देखता हूँ कि सर हमें इस साइट से अर्निंग नहीं हो रही, हमने ये कर लिया वो कर लिया। देखो भाई, कोई भी काम हुआ ना, एक दो बार करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक कंटिन्यूस पर काम नहीं करोगे ना, तब तक उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। पढ़ाई करते हो, एजुकेशन लेने जाते हो कहीं ना कहीं पे, मतलब तैयारी करते हो, तो जब तक आप एक साल तक पूरी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप लोग एग्जाम में कैसे पास हो पाओगे। अब तो फाइन मतलब पैसे देकर भी कभी काम हो जाता है, तो भाई ये एग्जाम्पल आई थिंक बेकार था, बट उन लोगों के लिए है ये एग्जाम्पल जो वाकई में हार्डवर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये साइड भी रखते हैं साइड में। तो हम बात करते हैं इस वेबसाइट की। तो इसका नाम है flexjobs.in.net। यहां पर मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अकाउंट कैसे बनाते हैं आइए आपको दिखा देता हूं, बट अभी बनाना नहीं है, जब मैं कहूं तब बनाना है, ठीक है ना। यहां पर ये इस तरीके का इंटरफेस होगा, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना, अपनी ईमेल अकाउंट पर, मतलब ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है भाई, डाल करके लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा, अपनी ईमेल डाल देता हूँ, यूजर नेम, और मैं यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है भाई वो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, अभी मैंने अगेन यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, एंड यहाँ पर देखो मेरा जो पेज है वो पूरा का पूरा यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे न्यू रिज्यूमे पर, तो यहाँ पर आप सभी के सामने किस, एक सेकेंड, यू मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू टैब में ओपन। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे रिज्यूम आएंगे, और एक रिज्यूम को फिल करने का ये लोग आपको कितना पे कर रहे हैं, 60 रुपीज, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये रिज्यूम ओपन हो रहा है, देखो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी डिटेल लिखी है वो आपको इसमें फिल करना है, और फिल करने के बदले में ये आपको कितना पे करेंगे भाई, 60 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम क्या है, अशोक नागर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। मिडिल नेम में मैंने यहाँ पर लिख दिया, लास्ट नेम में लिख दूंगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर डाल दी, जेंडर डाल दिया मैंने, नेशनलिटी डाल दी, स्टेटस, पासपोर्ट साइट, मतलब जो भी यहाँ पर पड़ी हुई है सारी चीज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। एड्रेस डाल दिया, लैंडमार्क डाल दिया, सिटी डाल दी, स्टेट डाल दिया, पिन कोड भी, मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी भी, और यहाँ पे मैंने SSC का रिजल्ट भी डाल दिया, मतलब सब कुछ डाल देता हूँ, जो जो कुछ भी है सबको डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये भी डाल दिया, ग्रेजुएशन ईयर डाल दी, पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर, भाई साहब वाकई में यार रियलिटी में यार बहुत जेन्युइन साइट लग रही है मेरे को यार, ये इतनी डिटेल कौन मांगता है भाई। ये हमने चूज करा, यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब देखो डिटेल, देखो मैंने क्या भरी है, डिटेल मैंने भरी क्या है, पहले आप लोग ये देखो। और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा किस पर, सबमिट पर। अब आप लोग यहाँ पर चीजों को देखना, ठीक है। ये मैंने सबमिट कर दिया, एक रिज्यूम देख के देख करके मैंने क्या करा, सबमिट कर दिया। यहाँ पर अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो एक मेरा रिज्यूम सेलेक्ट हो चुका है, सबमिट हो चुका है, पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पर चमत्कार देखना, जो चमत्कार दिखाने वाला हूँ चमत्कार देखना, ठीक है। जल्दी भाई रिफ्रेश फटाफट से हो जाए। तो देखो चमत्कार हो गया, एक रिज्यूम का हमें 60 रुपए मिल गया। अब गाइस देखो रियलिटी को समझो, सबसे पहली बात तो यह है कि यह वेबसाइट फेक है। दूसरी बात यह है कि जब आप लोग इस वेबसाइट को बंद करोगे, क्लोज करोगे या फिर लॉग आउट करोगे, तो यहां पर जो आपने इंफॉर्मेशन लॉग इन करते वक्त डाली थी या ज्वाइन करते वक्त डाली थी, अगर आप लोग उस इंफॉर्मेशन के थ्रू दोबारा लॉग इन करोगे तो भाई लॉग इन नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यह है, आपको हर बार नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे बेकार बात और फ्रॉड का जो
मतलब चीजें हैं वो यहीं से पता चलती हैं कि भाई जब हमने जो डिटेल डाली है उससे लॉगिन नहीं हो रहा तो फिर किससे लॉगिन होगा। और वही इंफॉर्मेशन डाल करके मैंने इसमें अभी दोबारा लॉग मतलब क्या कहते हैं अकाउंट क्रिएट करा था, मतलब मैंने 5 बार इसमें लॉग इन करा, 5 बार लॉग आउट हुआ और 5 बार मुझे फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ा। तो भाई देखो ये वेबसाइट फुल्ली स्कैम है, फेक है, जिन भाई ने भी मुझसे कहा था कि भाई इसका रिव्यू करो, सबसे पहले तुम्हें भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि तुम इतनी अच्छी साइट लेकर के आए। मतलब अच्छी नहीं कह रहा हूँ इसको, मतलब मुझे बताया ताकि मैं तुम्हारी वजह से मैं और लोगों की हेल्प कर सकूं जो उसमें काम कर रहे थे या करने की सोच रहे थे। तो भाई देखो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, अगर तुमको भी लगता है कि ये साइट बेकार है, फेक है और लोग उसमें काम कर रहे हैं तो प्लीज मेरे को बताओ ताकि मैं इसके बारे में सर्च करूं, देखूं कि साइट रियल है कि फेक। अब ये बात मैं कैसे बोल सकता हूं कि साइट फेक है, चलो मैं दिखाता हूं आपको। मैं चलता हूं ट्रस्ट पायलट पर। इतना ही नहीं, मैंने यूट्यूब पर चेक किया, गूगल पर चेक करा, मैंने बहुत जगह चेक करता हूं। भाई देखो मैं मेरा प्रॉपर काम यही है लोगों को सच्चाई बताना, तो मैं जितना हो सकता है उतना चीजों को सर्च करता हूं कि भाई मैं कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं। फिलहाल तो यहां पर इसने कोई भी रिव्यू देकर के नहीं रखा। अगर आप लोग कोरा पे जाकर के चेक करोगे, कोरा के अलावा अगर भाई यूट्यूब पर रिव्यू चेक करोगे तो भाई ये फर्जी साइट है, फेक है, कुछ पैसा नहीं देगी, कुछ नहीं देगी, काम करा लेगी यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। बस इसके कुछ ऑफर्स वगैरह ये प्रमोट करते रहते हैं, लोगों को फायदा होता रहता है, इन लोगों को आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई देखो फेक वेबसाइट है, सीधे समझ लो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा और बस इतना कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फोन का जो गिव अवे है वो होने वाला है बहुत जल्दी, फटाफट से 50,000 करा दो और गिव अवे आप लोगों के नाम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर, बाय बाय।